गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चला सबके। आई होप आप लोग अच्छे हो और हमेशा की तरह नए रूटीन में मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है जिम जाने से। और मेरा जिम बडी तुम लोग देखते तो आ चुका है, और जिम बडी को आज थोड़ी सी इंजरी है, बट फिर भी जिम बडी चल रहा है। ये है डेडिकेशन, तो चलते हैं हम लोग जिम, आगे बढ़ते और कुछ रिकॉर्ड करेंगे। यार पतले लग रहे हो बे। हो गया भाई। डाउन करेंगे और गाड़ी साफ हो चुकी है, चलते हैं जिम की तरफ। भाइयों गाड़ी हमने लगा दी है, रास्ता कर दिया जाम ताकि गाड़ी को मिले छांव। तो थोड़ा इंडिया में रहने का यही सब फ़ायदा है, ये सब चीज़ें तुम लोग कर सकते हो। चलेंगे अब हम लोग केला लेंगे। हाँ यस 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 इंडीड इंडीड। चलो तो फाइनली चिकन टू केलास, जिसकी बिल करानी है यार अभी सुबह सुबह। तो कुछ महक रहा है ना, बहुत गंदा। तो भाइयों कच्चा केला खिला दिया यार रिलायंस वालों ने, कोई बात नहीं, कल से हम लोग और अच्छी जगह लेंगे। पंडित जी हमारे सब्जी वाले आजमगढ़ के उनसे लेंगे। तुम लोग देखते हो बजरंग बली जी का बैग चुक के आशीर्वाद लेके अब आगे चलते हैं जिम हिट करते हैं। वेट करवाओ पहले। बढ़िया, आप बताओ। ये तो ड्रेस्टिक चेंज है तुमने भाई। हमने ले लिए जिम की टी शर्ट, अभी पहने रही है, पहन के देख लिया सही लग रही है, चलते हैं। And we'll start our day. Finally done with the gym. और चलते हैं देखते हैं डाइट चार्ट का क्या सीन है। मेहनत अच्छी हो रही है। तो भाइयों जिम से निकल के डाइट प्लान लेके लाओ, डाइट प्लान लिखाओ। तो ये हम लोगों का डाइट प्लान है प्रॉपर एकदम, और जा रहे हैं अब जूस पीने। मैं तो नहीं पीऊँगा, मेरा मन नहीं करता, बंटी पिएगा लो। सो भाइयों ऑल रेडी फॉर ऑफिस, तुम लोग देख सकते हो कैब आ गई है नीचे, और 3 बजे कैब आती है यार, 3:30 बजे कैब आई। क्या बोलूँ, मेरा दिमाग ख़राब है आज कैब वाली ऊपर। ऑफिस में भी काम है यार, एक आधी घंटा तो मेरा ही बर्बाद हो गया, 1 घंटा ऑफिस लगेगा फिर काम निपटाओ। हद एकदम भाई, आज थोड़ा सा लेट ही सही, बट निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। एन सी यू इज़ अ को पैसेंजर, अपील है गाड़ी करना। मजे हैं भैया, किस्मत है, चलते हैं ऑफिस। बज चुके हैं 4, तुम लोग देख सकते हो, और अभी तक CNG भरवा रहे हैं हम लोग। आज बस राम भरोसे जा रहे हैं, 4 बजे घर से निकल लें जब ऑफिस पहुंच जाना था। मैं तो सोच रहा हूँ मना कर दूँगा। तो भाइयों लगा लिया हमने भजन, ऑफिस टाइम है, तुम लोग देख सकते हो। चलेंगे आराम से सोएंगे और माता को ध्यान रखेंगे। तुम लोग देख सकते हो भाइयों कितना काम हो रहा है। इस एक लड़की को हमने रखा है बार बार खिड़की खोलने और बंद करने के लिए। तुम लोग बताओ कैसा है। भाइयों ये वो लोग हैं जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते, अच्छे अच्छे दोस्त हैं ये अपने। देखो ब्लॉग में फीचर होने के लिए ये सब मुझे 10-10 सब्सक्राइबर देते हैं, 10-10। भाइयों दिस इज़ देसी पॉप्स एंड अश्मिता जस्ट टोल्ड मी कि ये शार्क टैंक में आया था, तो अश्मिता है बेटा क्योंकि मेरा तो बचपन की यादों जैसा कॉन्सेप्ट है ये। पॉप्स है, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, नींबू फ्लेवर्स होता है और इमली फ्लेवर होता है। ये पॉप्स होते हैं, ये कच्चा आम फ्लेवर है, खट्टा खट्टा। यहाँ इसका मुंह देखो, मेरा मुंह देखो, व्रत है भाई हम दोनों का। जीवन में सब कुछ करो, ऐसे दोस्त यार मत बनाना कभी। 3 समोसे खा चुकी है और 1 स्प्रिंग रोल, 2 चाय पी चुकी है, 1 वड़ा पाव खा चुकी है, और अब ये भी खा रही है। Now I'm being little health conscious. My foot.
दिखाने के लिए इसने ब्लैक कॉफी ले रखी है और अभी जाके अभी वो फेंक देगी, अभी वो फेंक देगी। मेरा कैसे पीने लोग ये कड़वी चीज, मैं तो इसमें भी चीनी डालने का सोच रही थी। पी के जाके तो बेकार है, मैं कुछ नहीं पी रहा। मैं अब खाना खाएंगे दीपू यार, भूख लग रही है। तो भाई वो लगी है बहुत तगड़ी भूख और हम लोग जा रहे हैं 8 बजे नीचे, चलते हैं यार खाना खाएंगे। तो व्रत का निकल रहा है, हमने भी ऑर्डर दे दिया है। पाव भाजी बोली तुमने, पाव भाजी और व्रत की थाली ऑर्डर कर दी है। अश्वता रहम खा लो यार, जिनका व्रत है उनके ऊपर रहम खा लो, मतलब हद कर दिया तुमने। है कल तो तुम भी खाओगे, कल तो मैं ऐसा खाऊंगा ना। भैया देख लो क्या आया है। इसके साथ शरम वरम दिया है वो कि नहीं। एक एक कोने में रखी हुई है। यो अपना भी खाना आ गया है, आज है लास्ट डे व्रत का। सही सही बताओ स्वाद किसके खाने में लग रहा तुम्हें? भाइयों सीन ऐसा है कि आज है व्रत का आखिरी दिन और आज माता रानी ने एकदम परीक्षा ली है हमारे और दीपक के पेशेंस की। इतना खाने के बाद भी मन जो है चटर पटर खाने का ही कर रहा है, हैं? आदत से मजबूर है भाई वो तो। तो हम लोग जो जिभा है वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है हम लोगों से, और काम का प्रेशर इतना है कि भूख लगती है यार। रात में क्या करेंगे देखते हैं अभी। बाकी हम मीठा खा खा के और बहुत अजीब समूह का स्वाद हो रखा है, बस अगली सुबह आए माता रानी के आशीर्वाद से हम लोग अच्छे से व्रत का पारण किया जाए। और प्लान ये सोच रहा हूँ कि शीतला माता मंदिर जाऊँ मैं कल दर्शन के लिए, बट द थिंग इज कि सुबह 6 बजे खुलता है यार वो, फिर 2 बजे तो मैं घर ही पहुंचूंगा, कब मैं सोऊंगा, कब उठूंगा, कब क्या करूंगा। तो देखते हैं अभी कैसा रहता है प्लान। ये घर के बगल में ही माता का मंदिर है, वहाँ भी जा सकता हूँ, देखते हैं कैसा होता है। बाकी अभी कनेक्ट करेंगे, ऑफिस का काम करते हैं। ऑफिस में मैं यार अभी बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है आपके भाई का, तो देखते हैं कैसा सीन है। भाई बच चुका है एक और हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ, और तुम लोगों को दिखाता हूँ, अगर देखते हैं ऑफिस के बाहर का सीन है। सो भाइयों वी आर फाइनली हेडिंग बैक टू होम, और ये तुम लोग देख सकते हो पूरी मार्केट लगी होती है, और अभी नई गाड़ी है तो पन्नियों की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही होगी तुम लोगों को। तो भाई अब जस्ट रीच्ड होम, रात के बज रहे हैं 2, और अब किसी तरह बस है कि सो जाना है। देखता हूँ अगर मन हुआ तो मैं रात में 4 बजे उठ के नहा के पूजा पाठ करके कुछ खा के सोऊंगा, दैट टोटली डिपेंड्स, बट उसको मैं शूट नहीं करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। व्लॉग अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और ये बंटिया है जो आवाज़ कर रहा है अभी, सो बताता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।